आईपीएल प्रेमियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज कर आईपीएल के 14वें सीजन को लेकर एक अच्छी खबर दी है, जिसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमियों को काफी समय से था। मालूम हो कि कोरोना के मद्देनजर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को बीच में ही रोक दिया गया था, जिस दौरान कुल 29 मुकाबले ही खेले गए थे। वहीं टीम के कई सदस्यों के संक्रमित होने के बाद इस सीजन को बीच में ही रोकना पड़ गया था, जिसके बाद एक बार फिर इस सीजन को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज कर दी है। बता दें कि बीसीसीआई की ओर से की गई एक विशेष आम बैठक में इस बात पर फैसला लिया है कि 14वें सीजन के बचे हुए मुकाबले भारत से बाहर खेले जाएंगे। 60 मैचों के इस सीजन में अभी तक 31 मैच और खेले जाने बाकी हैं, जो अब यूएई में खेले जाएंगे, जिसका आयोजन सितंबर अक्टूबर में किया जाएगा। हालांकि तारीख को लेकर बीसीसीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं अगर हम यूएई की बात करें तो आईपीएल के 13वें सीजन की मेजबानी इसी ने की थी, जो कि सफल साबित हुई थी। बता दें कि यूएई में 3 मुख्य स्टेडियम हैं, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, जिनकी दूरी आपस में कम है। ऐसे में आने जाने का समय बचेगा और बायो बबल तैयार करना भी आसान होगा। फिलहाल अभी तक की रैंकिंग टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ पहले पायदान पर है। वहीं धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों में जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि कोहली की आरसीबी टीम भी 5 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन वह इस टेबल पर तीसरे नंबर पर है। वहीं खबरों के अनुसार बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC से अभी समय मांगा है। इसकी मेजबानी करने का अंतिम फैसला लेने से पहले बीसीसीआई थोड़ा समय लेना चाहता है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन कोरोना के चलते हालात ठीक ना होने की वजह से इसकी मेजबानी में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे लेकर बीसीसीआई अभी कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। हालांकि खबर यह भी है कि बीसीसीआई की पूरी कोशिश है कि T20 विश्व कप भारत में ही हो।